3000 रुपीज फिक्स ओवर है। वो लास्ट लास्ट एग्जाम में आया था सेम सम, याद है ना, बी यूनिट्स परचेज किए थे हम लोगों ने, फिर सेकंड शिफ्ट में करें या परचेज करें, परचेज में कॉस्ट ज्यादा आ रहा था, 171-100 परचेज कॉस्ट था उसका, सही है सुन। तो वहां पे भी, यहां पे अब आप बोल रहे थे सर ये तो फिक्स है, अरे पर दिस इज फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू डिसीजन, एनी एक्सपेंस विच इज फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू डिसीजन इज नोन एज रिलेवेंट। तो अभी आपको क्या लेना पड़ेगा, 150 रुपीज, और उसके रिलेवेंट कॉस्ट में क्या लेना पड़ेगा, 5000। सुनो अभी उसी के एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए, सपोज क्वेश्चन नंबर 132, वेरी वेरी गुड सम फ्रेंड्स, सोमेश्वर आगरा क्वेश्चन नंबर 132 मिला। देखो जरा रीड करके क्या क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू यू, एक बार मुंह कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, राइट। क्या कैपेसिटी है हमारा 100%, लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग कितने पे वर्क कर रहे हैं फ्रेंड, जरा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए प्लीज, आप बोल देना सर नहीं समझा, वापस से एक्सप्लेन करो, राइट। तो पहले हमारा कैपेसिटी क्या है 100%, उसमें से प्रेजेंट यूज क्या है हमारा 80%, जरा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, राइट। प्रेजेंट 80% एंड सेम सम 3 times इन द एग्जाम, ओके प्लीज मार्क 3 times सेम सम। इसका मतलब है 80% में मैं कितनी यूनिट्स बना रहा हूं, 80% में मैं कितनी यूनिट्स बना रहा हूं, और 100% में मैं कितना बना सकता हूं, 20, 80 and 100 is 25। इसका मतलब मेरे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है 5। अब ये 5000 के लिए क्या क्या रिलेवेंट कॉस्ट है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स इज टोटली क्योंकि ऑलरेडी मैं क्या बना रहा हूं 20, और अगर 20 से 25 पे जाऊंगा तो अब कुछ भी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, सही है सुनो। राइट नाउ अपने पास 80 स्टूडेंट है, 85 भी हो जाएंगे तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, सही, बिकॉज द कैपेसिटी इज आइडियल। ऑलराइट, अब अपने को ऑर्डर कितने का मिला है, 20,000 इंटू 20% 4,000, 20% ऑफ प्रेजेंट ऑपरेशन, सही है सुनो, 20% ऑफ प्रेजेंट ऑपरेशन अपने को मिला है, तो इट मीन्स 4,000 यूनिट्स के लिए अपने को कोई भी कॉस्ट लगेगा नहीं, द रिलेवेंट इज कॉस्ट इज व्हाट, ओनली द वेरिएबल कॉस्ट, सही है सुनो फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा टोटली। ऑलराइट, अब देखो क्या क्या आपने को दे रखा है, पहले समझ लेते हैं बाद में कॉपी करना। सेल्स कितना का सेल किया था मैंने, 4 lakhs, बोलो उसमें मेरा प्रॉफिट 20% ऑफ 4 lakhs, बोलो क्या होगा 80, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा 3 lakhs, 320 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सही है सुनो फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट में अपने को क्या क्या दे रखा है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स,
बराबर। अब 20,000 पे मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा सभी वेरिएबल क्या है 40,000 और मेरा फिक्स क्या है, टोटल क्या हो गया 2,00,000। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, अब डिसीजन के लिए ये रिलेवेंट हो जाएगा, डिसीजन के लिए ये रिलेवेंट हो जाएगा, इसके दो पार्ट रहेंगे वेरिएबल एंड फिक्स, फिक्स रिलेवेंट, ये रिलेवेंट और ये भी क्या रहेगा। से यस और नो फ्रेंड्स, ऑल राइट, बोलो। चलो कॉपी कर लो ये जरा, फिर आगे बढ़ते। सॉरी, हाँ या हाँ देखो अपना सेल क्या है फ्रेंड्स 4,00,000, उसमें से प्रॉफिट अपने को क्या मिला 80,000, तो अपना कॉस्ट क्या बचेगा 320 बराबर। अब 320 में ये 20,000 लेवल पे, तो 20,000 पे इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको दे रखा है, ये तीनों का टोटल किया तो ये आ गया, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा। अब अगर हम लोग एक भी यूनिट और एक्स्ट्रा सेल करते तो डायरेक्ट कॉस्ट लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड भी लगेगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे वेरिएबल एंड फिक्स, फिक्स नहीं लगेगा और ये फिक्स भी नहीं लगेगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, कैसे ले सकते हैं, सपोज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई। सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मीन्स 20,000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40,000 एंड 22,500 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 42,500, वाई एंड वाई गेट कैंसिल 2,500 एक्स इक्वल टू 2,500 एंड एक्स इक्वल टू 1, सो 20,000 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू
40,000 and y equal to 20,000. Say yes or no, friends. आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा 1 रुपीज पर यूनिट और आपका फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा 20,000. अब चाहे 20 की जगह आप 24,000 यूनिट्स भी बनाएंगे तो भी ये अमाउंट दोनों क्या रहेंगे कांस्टेंट सेम. से यस ऑर नो एनी कंफ्यूजन प्लीज. छोटे से छोटा पॉइंट भी क्लियर नहीं है प्लीज पूछिए. हाँ फ्रेंड्स अगर हम 20 से 24,000 यूनिट्स में जाते हैं तो भी ये दोनों अमाउंट हमारे क्या रहेंगे सेम. खाली चेंज कहां पे होगा यहां पे चेंज होगा यहां पे चेंज होगा और इसका वेरिएबल पोर्शन चेंज होगा. जब कांस्टेंट है तो डिसीजन में हमको लेने की जरूरत नहीं. तो आप जाके आपको जब भी आप ऑडिट करेंगे या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं आप बोला करो वहां पे अगर आपको ऐसा लगता नहीं ऐसा करने से ये फायदा हो सकता है. बोलने का कभी अपने दिल में नहीं रखने का चाहे वो अपने माने बात या नहीं माने अपने को बोल देने का क्योंकि कभी वक्त आएगा तब वो आपको याद करेगा हाँ ऐसा है करके उसने ऐसा बोला था. क्योंकि अभी यू कैनॉट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस नाउ अ डेज इस टाइप का टफ कॉम्पिटिशन है. यू कैनॉट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस यू हैव टू डिक्रीज योर कॉस्ट ओनली. वही पर्सन सर्वाइव करेगा जिसका चीपेस्ट कॉस्ट है एंड बेस्ट प्रोडक्ट है. क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताया था एनी एक्सपेंस विच इज फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू डिसीजन इज नोन एज रिलेवेंट कॉस्ट. कैसे जजमेंट करेंगे यस 120 अगर 20,000 बनाएंगे तो 120 लेकिन अगर 24 बनाए तो भी 120 रहेगा क्या रहेगा क्या बोलो नहीं. इसका मतलब क्या हो गया रिलेवेंट 80,000 20,000 पे 80,000 24 बनाएंगे तो चेंज होगा सही यस ऑर नो. चेंज रहेगा कि सेम रहेगा चेंज रिलेवेंट वेरिएबल चेंज होगा अरे ये नहीं होगा ये रिलेवेंट ये चेंज होगा. आप जजमेंट कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए बोलो. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन या एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन. भाई आपने कॉमर्शियल बिल्डिंग में ये प्रमाइसेज ले रखा है इतना हाई आप इसका कॉस्ट देते हो तो एज ए बिजनेसमैन आपको सोचना पड़ेगा कि रात को 9 बजे से 7 बजे तक मेरा रिसोर्स आइडियल है मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे कुछ फायदा हो. सुन हम हमारे लाइक यू नो द वीडियो लेक्चर्स चला सकते हैं वेरी लो कॉस्ट. अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट भी आ गया तो गुड ना. जो लोग नहीं एफोर्ड कर सकते या जो लोग को लाइक यू नो डे में वर्क करना है जॉब करना है 9 to 12 हम लोग एक बैच रख सकते हैं. कुछ लोगों का ऑफिस लेट रहता है या कुछ लोग इतने मेहनती भी रहते हैं यू नो दे कैन मैनेज द थिंग्स. पर एज ए बिजनेसमैन आपको सोचना है मैं थोड़ी सोचूंगा. आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप ये सोचो कि आपका रिसोर्स आइडियल तो नहीं है. अगर आइडियल है तो उसका ऑप्टिमम यूज क्या हो सकता है. लेकिन इंडिया में ऐसा अपन नहीं करते करेंगे जब जब कोई कंपटीशन वाला आएगा टफ कंपटीशन देगा तो खत्म. अभी देखो जहां जहां टफ कंपटीशन आया अपना इंडस्ट्री खत्म. पोस्ट ऑफिस सामने क्या आ गया इंटरनेट कुरियर सर्विस. पोस्ट ऑफिस में कोई जाता ही नहीं. आपने देखा किसी को पोस्ट कार्ड लिखते हुए सब लोग इंटरनेट स्पीड पोस्ट वो तो एक्चुअली उन लोगों को रहता है कि आपको ये यूज करना. इंस्टीट्यूट इज दिस गवर्नमेंट का दिस अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना उनको लोग
जैसे सपोज जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं उनको इंडियन एयरलाइन से ही ट्रेवल करना पड़ता है, वो हिलता है उसका फ्लाइट से लेकिन उनको ट्रेवल करने का वहीं अलाउड है सबको। अब देखो ये आपका आ गया, टेलीफोन में देखो आप, मोबाइल फोन आया, कोई जाता है क्या MTNL के पास कनेक्शन दे दो करके? नहीं थी। तो आप सोचिए जीरो हो गया, चाइना का गुड्स है। मेरे बेटे डॉटर का अभी बर्थडे था, 50 रुपए में इतनी अच्छी अच्छी डॉल है कि आप पूछो मत करो, वो नाचती भी है डॉल। हाँ मैं बोला यार देखो 50 रुपए तो अपने लीवर का कॉस्ट हो जाएगा उसको बनाने। तो आप प्रॉब्लम के सीरियसनेस को समझिए। आप बोलते 20,000 रुपए कॉस्टिंग, कोई दाने की कॉस्टिंग लेके आगे बोले फ्री में है CD, हाँ घर पे बैठ के आराम से देख, कौन आएगा 20,000 में? तब कितना फास्ट चेंज है। आप बोलो अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो क्यों आओगे? आप बोलोगे अरे आराम से घर पे बैठ के देखते ना, क्यों जाए 20,000 रुपए खर्च करके? आप इट मीन्स आपकी 15 साल से आप पढ़ा रहे थे, टीचिंग में आपकी मास्टरी थी, आज लोग एक भी नहीं आ रहा है एडमिशन लेने। तो कितना ड्रास्टिकली आपका चेंज होता है बिजनेस पैटर्न। उसमें अगर अपन नहीं सोचेंगे, और अपन नहीं सोचेंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कौन सोचेगा? नहीं हमसे ही लोग एक्सपेक्ट करेंगे ना यार। फिर अपन बोलते जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, अरे आपके टैलेंट को तो डेवलप करो ना आप, तो ही आपको जॉब मिलेगा ना। यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन? तो आपको फ्रेंड्स ये आइडियल जो रिसोर्सेज है इंडिया के अंदर बहुत है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका ऑफिस क्या यूज होता है? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। अब उसको बोलेगा 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक दे दे, कोई नया CA वो अपना प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? दिन में वो काम करे या रात में काम करे, लेकिन वो CA उसको सपोर्ट करेगा नहीं? क्यों नहीं करेगा? बोले कि क्यों करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए? नहीं नए नए CA को CA ही सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मैं तो आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ ना फ्रेंड्स, सही है? सुनो बनने वाले हो ना, आपको क्या लगता है इत्तेफाक रखते हो मेरे कॉन्सेप्ट से कॉस्टिंग चलेगा कि हाँ पक्का आप हो ना, गर्ल्स साथ में हो ना, DK जी ऑलराइट चलो अब स्टार्ट करें। क्या बोला आपने को? स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पहले लिख दो नोट नंबर 6-1, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट। डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट कितना था फ्रेंड्स? 120 फॉर 20,000 यूनिट्स। आपके यूनिट्स कितने हैं फ्रेंड्स? 4,000 ना, 4,000 के लिए क्या हो जाएगा? 24। अरे ये सुनो, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले वेरिएबल कितना है फ्रेंड्स? 80,000 इज फॉर 20 × 4 क्या होगा फ्रेंड्स? 16। सेकेंड सेमी वेरिएबल, उसमें फिक्स क्या हो जाएगा? इरेलेवेंट। इरेलेवेंट क्या बचेगा? ओनली वेरिएबल 4,000 × 1 = 4,000। उसके बाद आपका थर्ड फिक्स्ड ओवरहेड नील, एंड उसके अलावा दे दीजिए पैकिंग कॉस्ट भी है ना फ्रेंड्स। जंपिंग मंकी एक्सपोर्ट वाला पैकिंग बहुत चाहिए उसको, हाँ याद है ना जंपिंग मंकी? 30, 40, 44, 45
टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट 45 10 बाई 90, 10% ऑन सेल्स प्राइस, समझा ना, सेलिंग प्राइस इज 100 देन प्रॉफिट इज 10, तो कॉस्ट अपना क्या बचेगा 90, द प्रॉफिट इज 10 द कॉस्ट इज 90, याद है ना, 1/5 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस 1/5 ऑन कॉस्ट, 12th में बाय हार्ट किया था ना